दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे बड़े मियां छोटी मियां के छठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवर से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन ईद वाले दिन 16 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दिखी और 7 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था। तीसरे दिन में 8 करोड़ 25 लाख का, चौथे दिन में 8 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पांचवे दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 2 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 43 करोड़ 2 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 52 करोड़ हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 26 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 78 करोड़ हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म मंडे टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 350 करोड़ है, लेकिन फिल्म ने राइट से कुछ रिकवरी कर ली थी, जिसके चलते इस फिल्म का थिएटिकल बजट लगभग 220 करोड़ हो चुका है और साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर भी साबित हो चुकी है। हाल ही में रिलीज हुई तब वो करीना कपूर आकृति सैनन की फिल्म क्रू ने अब तक इंडिया में लगभग 72 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वहीं बड़ी मियां छोटी मियां के पांचवें दिन के कलेक्शन जैसे आए हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि बड़ी मियां छोटी मियां का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन क्रू से भी कम रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ी शर्म की बात है। बात करें दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8 रेटिंग मिले हैं। फिल्म के क्रिटिक रिव्यूज भी एवरेज और नेगेटिव आए। फिल्म के कलेक्शन भी डिजास्टर हो रहे, फिर भी आईएमडीबी में इतनी अच्छी रेटिंग कैसी हो सकती है, ये कई लोगों का कहना है। वहीं कई लोग इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग को पेड रेटिंग बता रहे हैं ताकि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा बन सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, फिल्म डिजास्टर हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।